बहुत लंबा समय लगा, 39 साल लग गए, लेकिन आज इंसाफ के दरवाजे फिर से खुले और जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसकी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली। बहुत जल्दी जगदीश टाइटलर भी को सज़ा होगी, सज्जन कुमार की तरह होगी, और उम्मीद करते हैं कि उसको सजाए मौत हो। 1984 में जो कत्लेआम इसने किया, आज कोर्ट ने ये माना कि विटनेस सामने है जिसने इसको परिवार के लोगों को मरवाते देखा है। कांग्रेस जो आज तक इन कातलों को बचाती रही, आज राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वो टाइटलर को बचा ना सके। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, देश की सरकार के साथ साथ देश की कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं, जुडिशरी का धन्यवाद करता हूं। हमें बहुत लंबा लड़ना पड़ा, ये विटनेस को लेकर हम बड़े जद्दोजहद कर रहे थे, कोई हमारी सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार अब सुनवाई की और सच्चाई की जीत हुई है। मैं बस इतना जरूर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, वक्त बदल जाता है, समय बदल जाता है, पर तुमने जो पाप किया था वो कभी माफ़ करने योग्य नहीं है। तुम्हें इसका भी हर्जाना तुम्हें भी एक दिन भरना पड़ेगा।